चारसद्दा में तवानाई बहरान के हवाले से डीसीओ चारसद्दा कामरान रहमान के ऑफिस में चारसद्दा के तमाम इदारों और सिविल सोसाइटी का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम सरकारी इदारों के आला हुक्काम, ताजिर बिरादरी और चारसद्दा के सहाफियों ने शिरकत की। इजलास में खिताब के दौरान डीसीओ चारसद्दा कामरान रहमान ने कहा कि मुल्क में जारी बिजली बहरान के खात्मे में तमाम इदारों और सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को हिदायत दी कि आम बल्ब की बजाय एनर्जी सेवर का इस्तेमाल शुरू कर ले और स्ट्रीट लाइट्स एक बुझाकर एक रोशन करे। उन्होंने ताजिर बिरादरी से अपील की कि तवानाई के बहरान को मद्देनजर रखकर बिजली का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक कम से कम किया करें। डीसीओ चारसद्दा ने अपने खिताब में कहा कि कुंडा कल्चर के बगैर वापडा का बहरान से निकलना नामुमकिन है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत जारी की कि जो लोग कुंडों के जरिए बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। किफायतुल्लाह, ए न्यूज़, चारसद्दा।